नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हम चर्चा बिहार की करेंगे और देखिए, भारतीय लोकतंत्र में हमने यह देखा है जब कभी चुनाव हुए कि उम्मीदवारों की महत्ता तो बहुत कम दिखती है, बिरले ही दिखती है कि ये अच्छे उम्मीदवार हैं इसलिए इन्हें ही जीत दिला दे। हाँ, महत्ता दिखती है पार्टी की और महत्ता दिखती है जाति की। देखिए, नरेंद्र मोदी तो अपने संबोधन में ही कहते हैं, आप उम्मीदवार को मत देखिए, मुझे देखिए, हर उम्मीदवार के भीतर मैं हूं, चाहे उम्मीदवार जैसा भी हो। लेकिन बिहार में जब हम परिस्थितियों को देखते हैं और बदलाव को देखते हैं तो पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण जाति हो जाती है। और इधर के दिनों में हम देख रहे हैं, 2024 के चुनाव में भी हमने देखा, जो जागृत जातियां हैं सबन, जो ये कहते हैं कि हम तो एनडीए के समर्पित वोटर हैं, हम आरजेडी के खिलाफ हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ हैं, लेकिन वे बिदकते बहुत तेज हैं, पिनकते बहुत तेज हैं, जैसे ही जातीय अस्मिता में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हो जाए। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा और लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों को भी देख रहे हैं कि कैसे राजपूत नाराज हुए, अब भी नाराज हैं, कैसे भूमिहार नाराज हुए, अशोक चौधरी के बयान पर कितना बाबेला मचा है, कैसे कायस्थ नाराज हैं कि ऋतुराज सिन्हा को आपने राज्यसभा में नहीं भेजा। रविशंकर प्रसाद लोकसभा में जरूर पहुंचे हुए हैं लेकिन वे मानते हैं कि राज्यसभा की एक सीट हमारी थी। ब्राह्मण भी नाराज, देखा आपने अश्विनी चौबे का टिकट कटा तो किस तरीके से विद्रोह हुआ, विभाजन हुआ। और 2020 का विधानसभा चुनाव भी इस बात की गवाही देता है कि लोजपा को जो वोट प्रतिशत में सफलता मिली, जीत तो एक ही सीट पर मिली थी, और जो नुकसान पहुंचाया नीतीश कुमार को, फायदा सीधे तौर पर आरजेडी को। मतलब सबन कहने को आरजेडी के खिलाफ, लेकिन विभाजन से हुआ फायदा पहुंचाते हैं आरजेडी को। और देखिए, अब चिराग पासवान तो एनडीए में ही हैं, एनडीए में ही रहेंगे यह भी मानकर हम लोग चलते हैं, अभी आगे क्या परिस्थितियां होंगी इसकी विवेचना हम लोग करेंगे। लेकिन चिराग पासवान की तरह एक प्रशांत किशोर तो वहीं गए हैं, जिनके उम्मीदवार सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में होंगे। और यदि सबन बिदकते रहे, पिनकते रहे, कहने के लिए कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, लेकिन सबन यदि उधर गए जो बिदकते हैं पिनकते हैं, जहानाबाद में हमने आपने देखा नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा नहीं था, उम्मीदवार को लेकर गुस्सा था, इसलिए वोट कहां कर दिया। औरंगाबाद में आपने देखा, देखिए बीजेपी के खिलाफ गुस्सा नहीं था, सुशील कुमार सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या हुआ। देखिए आरा में हमने देखा कि आरके सिंह की अभिमान और अहंकार के खिलाफ गुस्सा था, परिणाम क्या निकला। काराकाट में हमने देखा कि वहां राजपूत ने पार्टी नहीं देखी, जाति देखी। और आपने देखा बक्सर में देखा, ये तमाम उदाहरण है। और सबन जातियों का भटकाव, जाहिर तौर पर यदि चुनाव नतीजे देखेंगे, 38 सीटों पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। यदि चिराग पासवान नहीं होते तो 38 सीटें नीतीश कुमार की अधिक होती, नंबर तीन की पार्टी नहीं होती। तो ये जो सबन बिदकते हैं पिनकते हैं, ये जो नया ट्रेंड देखिए उधर कुशवाहा में दिखाई पड़ता है, इस ट्रेंड को आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में किस तरीके से एनालाइज करते हैं। और जो बवाल मचा है कि भाई बिहार से कोई राजपूत मंत्री नहीं बना केंद्र में, क्यों भाई, ठीक है। अशोक चौधरी ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा था कि देखिए जो लोग चुनाव के समय दिल्ली मुंबई में थे वे किस बात की अपेक्षा रखते हैं। अब इस पर बाबेला इतना मच गया कि लोगों ने इसे भूमिहार विरोधी बयान मान लिया, जबकि अशोक चौधरी के बारे में कहा जाता है कि उनके इर्द गिर्द, और अनंत सिंह भी कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द तो भूमिहार ही दिखते हैं, हैं दलित लेकिन उनसे बड़ा पुजारी भी कोई नहीं, अभी चार धाम का दर्शन करके आए हैं।
और यदि सबन इस तरीके से बिदकेंगे, भूमियार बिदकेंगे, तो अशोक चौधरी दलित हैं, दलितों को तो वह नेता ही पसंद आता है जिनके खिलाफ सवर्णों में गुस्सा हो। अशोक चौधरी ने तो अपना दामाद भी भूमियार को चुना। तो खैर, हम जाति और पार्टी की बात कर रहे थे कि पार्टी से इतर जाति और फिर किसको नुकसान किसको फायदा। बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और देखिए जेडीयू के भीतर भी हम उत्तराधिकारी की लड़ाई को रेखांकित करने लगे हैं। इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि उत्तराधिकारी कौन होगा और उत्तराधिकारी की लड़ाई किस तरीके से चल रही है। भीतर की कहानी भी बहुत कुछ है। तो अजीत जी, इस पर आप अपनी टिप्पणी दें। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जाति का मामला हमेशा बहुत संवेदनशील होता है, हमेशा, और ये हर जाति के साथ होता है, जातीय अभिमान। और आजकल देखिए सोशल मीडिया के दौर में कोई भी बात होती है उसको तुरंत बहुत बड़ा पतंगड़ बनता है बात का, छोटी से छोटी बात का तिल का ताड़ बनाते हैं लोग। और ये स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि बड़े नेचुरल तरीके से हो रहा है या बड़े ऑर्गेनिक तरीके से अशोक चौधरी ने कोई बयान दिया उस पर समूचा भूमिहार समुदाय उद्वेलित हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो उसके पीछे एक डिजाइन होता है, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो उसके पीछे राजनीति होती है। सिंपल सी बात है कि ये ऐसा नहीं होता है कि किसी एक बयान से कोई पूरा समाज आहत हुआ है या पूरा समाज अब नाराज हो गया है या पूरा समाज वोट नहीं करेगा, ये हाका नहीं लगता है। ये कोई जातियां होती है, जो इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जो वो कोई जानवरों के बाड़े में हाक करके ले जाए नहीं जाते हैं। उन सबकी अपनी सोच होती है, अपनी राजनीति होती है, अपनी समझदारी होती है, तो वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिनकी राजनीति होती है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो उस बात को पकड़ के उसको ट्विस्ट करके उसका अपना मनमाना अर्थ निकाल करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये और आज के जमाने में ये बहुत आसान हो गया है। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो अखबार वाले सब वेरीफाई करते थे, वेरीफाई करके तब चीजें सामने आती थी। अब तो दुनिया भर के अनवेरीफाइड चीजें सोशल मीडिया में घूम रही होती हैं। तो इसकी वजह से क्या है, एक तो संवेदनशील मामला है, दूसरा अभी जो रीच है मीडिया की, सोशल मीडिया की, वो हर आदमी के हाथ में, उसको कह सकते हैं हम, तो हमेशा कहते हैं कि वो बंदर के हाथ में उस तरह देने की तरह हो गया है। उसके कुछ फायदे होंगे, वो बाद में लोग पता नहीं देखेंगे क्या फायदा है, लेकिन नुकसान इतना भारी है कि हम आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। ये जो आए दिन जो भीड़ मोबिलाइज हो रही है, आए दिन कहीं गो तस्कर गो रक्षा के नाम पर और कहीं धर्म की रक्षा के नाम पर, कहीं जाति की रक्षा के नाम पर जो दंगे और हिंसा फैलाई जा रही है, इसके पीछे वो सोशल मीडिया से ही सारा मोबिलाइजेशन होता है। तो कुछ उसके अच्छा पक्ष भी है, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। अभी तो ये जातियों के मामले में हो रहा है हमेशा। आप देखिए लोकसभा चुनाव में अभी अशोक चौधरी और बिहार का जो मामला है उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन आपने लोकसभा चुनाव की बात कही तो देखिए किस तरह से एक बयान पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में किसी जगह दिया जो ठाकुर क्षत्रिय समुदाय को लेकर के, और वो विशुद्ध रूप से वहां के लोकल पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से, लोकल पॉलिटिकल इक्वेशन के हिसाब से दिया गया बयान था। गुजरात में ये हमेशा एक पॉलिटिक्स रही है, खाम की एक पॉलिटिक्स करती है कांग्रेस पार्टी, माधव सिंह सोलंकी ने वो पॉलिटिक्स की थी जिसमें क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुसलमान ये खाम चार शब्द मिला करके उन्होंने बना दिए थे और ये माना गया कि ये चार समुदाय कांग्रेस के साथ है। तो बीजेपी के जो नेता इसके खिलाफ अपना समीकरण गढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं राजपूत और क्षत्रिय के खिलाफ कुछ बोल देते हैं। ये लोकल होता है, एकदम लोकल मामला होता है, लेकिन ये सोशल मीडिया का टाइम है। और नतीजा ये हुआ कि मुजफ्फरनगर मेरठ से लेकर के झारखंड के धनबाद और चतरा तक में इसका असर दिखा, बिहार में असर दिखा, समूचे देश में क्षत्रिय नाराज थे, राजपूत लोग सड़कों पर उतरे हुए थे और एकदम था कि बीजेपी को हरा देना, कैसे हिम्मत हुई है पुरुषोत्तम रूपाला की ऐसा कहने की। तमाम सफाइयों के बावजूद ये नाराजगी कायम रही, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि राजपूत ने वोट नहीं दिया बीजेपी को। वो एक किसी एक हाके में आकर के आपने महापंचायत बुला ली, 10,000 लोग जुट गए, तो इसका क्या, उस 10,000 में से भी बहुत सारे लोग वोट करेंगे। तो ये एक तमाशा सा हो गया है, उसी तरह का तमाशा हम अभी देख रहे हैं बिहार में। जो जाकर के अशोक चौधरी ने जहानाबाद में जो भी बात कही वो बिल्कुल लोकलाइज जहानाबाद की पॉलिटिक्स को लेकर के कही गई बात है, वो जहानाबाद की बात है, उसका बिहार के बाकी 39 लोकसभा सीटों से कोई लेना देना नहीं। ये बात अशोक चौधरी भी जानते हैं, जेडीयू भी जानती है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जितने नेता विरोध में बोल रहे हैं, वो लोग भी जान रहे हैं कि बाकी जगहों से इसका कोई मतलब नहीं भाई। बाकी हर जगह पर बिहार के अगर एटलीस्ट 35 सीटों पर, 5 सीटों को आप छांट दीजिए जिन पर हम लोग पहले चर्चा किए हुए हैं कि जहां भूमिहार जाति के आधार पर मान लीजिए वोट करने गया, भागलपुर छोड़ दीजिए या आप महाराजगंज छोड़ दीजिए, इस तरह की 4-5 सीटें आप छोड़ दें, तो हर जगह भूमिहार ने तो एनडीए को ही वोट किया और बल्क में वोट किया, न सिर्फ वोट किया बल्कि मोबिलाइज किया, वोट सपोर्ट मोबिलाइज किया।
और हम चुनाव के बाद मोतिहारी जाकर के रहे, और इसी ग्राउंड पर हम लोगों ने चुनाव के समय चर्चा की थी कि राधा मोहन सिंह चुनाव जीतेंगे क्योंकि सारे भूमिहार एक पैर उनके साथ खड़े हैं। तो तमाम भूमिहार राजपूत के नैरेटिव के बावजूद सारे भूमिहार मोतिहारी में तो खड़े थे पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह को जिताने के लिए, और ऐसा हर जगह हुआ, हर जगह हुआ। इसीलिए इसका इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्या एनडीए के नेता है, इतने बड़े नेता है अशोक चौधरी, उनको नहीं पता है कि भूमिहार एनडीए के साथ है, वो जानते हैं कि भूमिहार एनडीए के साथ है, लेकिन वो चूंकि जहानाबाद का एक अलग ही इक्वेशन था, अलग ही समीकरण था, उनके भीतर एक दर्द भी था, अजीत जी उनके भीतर एक दर्द भी था कि जब चुनाव हो रहा था पार्टी नेतृत्व ने फैसला कर लिया था कि भाई चंद्रवंशी ही उम्मीदवार होंगे, अशोक चौधरी वहां जाकर भूमिहारों का पैर पकड़ रहे थे, वोट मिला ना मिला तो वे उम्मीद कर रहे थे कि जो वहां के स्थानीय नेता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वे भी कंधे से कंधा मिलाएं, और जब कंधे से कंधा नहीं मिला तो फिर हार हुई। वे यह भी कह रहे थे कि शायद उनके आने के बाद भी जीत नहीं होती, लेकिन वोट तो बड़ा होता, और इसे फिर इस तरीके से बना दिया गया, और फिर तो देख ही रहे कि राजनीति कैसे हो गई। और अशोक चौधरी देखिए भूमिहार के नेता है नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा भीम सांसद का आयोजन कर अपनी ताकत तो दिखा ही दी कि हाँ देखिए हमारे पास जनसमर्थन क्या है और हम पटना में कितनी बड़ी भीड़ जुटा सकते हैं और पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, उन्होंने उस तरह से अपना महत्व साबित किया था। और ये भी आपने जो बात कही, जो हम अभी बात जो कह रहे थे जहानाबाद के लोकल पॉलिटिकल इक्वेशन का, तो अशोक चौधरी को तो पूरा पता ही है ना कि एटलीस्ट 35 सीटों पर भूमिहारों ने वोट दिया, इस बात को जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, इस बात को जेडीयू के तमाम बड़े नेता एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उनके बेटी को सांभवी चौधरी को, सांभवी चौधरी जीतने समस्तीपुर के भूमिहारों का कितना बड़ा योगदान है, तो ये उस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये कैसे कहा जाएगा कि वो भूमिहार विरोधी है या उनकी पार्टी भूमिहार विरोधी है, जिस वोट की जो जिस कोर वोट की पॉलिटिक्स उनकी पार्टी करती है, उनका अलायंस करता है, तो ये कैसे ये सोचा जा सकता है कि इतने पॉलिटिकली नाइव थोड़े हैं, जैसे वो नासमझ आदमी है कि अपने वोट पर नुकसान कर देंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। उनका मकसद उस एकदम उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के, एक खास तरह के ट्रेंड को लेकर के था, पूरे बिहार को लेकर के नहीं था, पूरी कम्युनिटी को लेकर के नहीं था। और तमाम बातों के बावजूद वो जो दलित के नेता है, उन्होंने प्रूव किया है अपना भीम संसद करके और यात्रा करके, उन्होंने प्रमाणित किया, तमाम वो दलित के बड़े नेता है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि भूमिहार विरोधी नेता है या किसी भी कास्ट के विरोधी पॉलिटिक्स करते हैं, किसी भी कास्ट के भूमिहार के विरोध में तो नहीं ही करते हैं। आखिर उन्होंने उनका हम बाद का जो स्टेटमेंट सुने कि उन्होंने कहा कि हम तो भूमिहार के गोद में पले बड़े हैं, हमारे पिताजी को श्री बाबू पढ़ाए, और हम सब लोग जानते हैं उनकी राजनीति, जहां वो शेखपुरा बरबीघा सीट से चुनाव लड़े, उन्होंने खुद ही कहा कि 150 वोट से आ रहे थे, तो भूमिहार वोट नहीं देता तो कैसे इतना नजदीकी मुकाबला बरबीघा में वो कर सकते थे। और वो खुद ही अपना राजनीति उन्होंने निजी बातचीत में भी कई बार कहा है, और जो पॉलिटिकल जानकारी रखते हैं वो सब जानते हैं कि कांग्रेस में उनकी सारी राजनीति अनिल शर्मा के साथ हुई, अनिल शर्मा के साथ जुड़ करके लग करके उन्होंने पॉलिटिक्स की, तो लगातार वो भूमिहारों के साथ ही रहे, भूमिहारों के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स की है अभी भी, मतलब निजी तौर पर भी हम जानते हैं, और जो लोग जानते हैं उनको भी पता है कि तमाम बिहार और झारखंड में नेता हो, अधिकारी हो, बिजनेसमैन हो, सब भूमिहार है जिनके साथ उनका रोज का उठना बैठना है, उनकी कोर टीम है, जो उनकी कोर मंडली है, तो ये तो लोग कहते हैं उनकी सारी ट्रेनिंग जो है पॉलिटिकल ट्रेनिंग भूमिहार वाली है। बिल्कुल, इस तरह वो किसी हाल में ये कहना, ये अब उनकी तमाम दूसरी राजनीति पर कोई आदमी सवाल उठा सकता है, लेकिन वो भूमिहार विरोधी है, एक कम्युनिटी के विरोधी है, ये दोनों दो कारणों से नहीं संभव होगा ज्ञानेश्वर जी। एक तो निजी कारणों से, उनकी इतनी निजी गहरी दोस्ती है तमाम लोगों से कि वो अगर अगर कम्युनिटी का विरोध करेंगे तो फिर क्या किस मुंह लेकर के, किस मुंह से उन दोस्तों के साथ बैठेंगे जिन दोस्तों के साथ उनका रोज उठना बैठना है। तो एक तो निजी कारण से वो नहीं हो सकते हैं भूमिहार विरोधी, और राजनीतिक कारण से भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारी पॉलिटिक्स उसके इर्द गिर्द करनी है, वो जिस अलायंस में है उस अलायंस की सारी पॉलिटिक्स भूमिहार के इर्द गिर्द होती है, भूमिहार की राजनीति से चलती है। तो हमने जो फिर वापस आते हैं, हम पहली बार भूमिहार समाज के अभिभावक, भूमिहार समाज के अभिभावक कहे जाते हैं किशोर कुणाल साहब। किशोर कुणाल साहब के बेटे के साथ उन्होंने अपनी बिटिया की शादी की, सांभवी की, तो यदि भूमिहार विरोधी होते तो इस प्रेम विवाह के प्रस्ताव को भी आगे ही नहीं बढ़ने देते, कैसे स्वीकार करते। तो वही कहा हमने, निजी तौर पर कहने का मतलब यही था कि निजी तौर पर जिनके साथ रोज का उठना बैठना अपने दामाद के साथ, अपने समधी के साथ, और वो समधी भी ऐसे समधी हैं जिनसे पहले इनका दूसरा रिश्ता रहा है, अपने दोस्तों की वजह से उनके साथ इनका दूसरा रिश्ता था, तो उनको ये हम अपने हम ये निजी अनुभव से बता रहे हैं, निजी जानकारी से बता रहे हैं कि जीवन भर कुणाल साहब और उनकी उनकी पत्नी को ये बहन और कुणाल साहब को बहनों ही कहते रहे, अब वो उनके संधि हो गए हैं, तो उनकी उनके बचपन जवानी और अभी तक की सारी राजनीति सारी सामाजिकता भूमिहारों के साथ है,
तो निजी तौर पर हमने इसलिए कहा कि दामाद के साथ आपका रोज की बातचीत है, समधी के साथ है, दोस्तों के साथ है, तमाम लोग तो वो है, वही है, वो भूमियानी समाज के लोग हैं, तो आप उनके साथ फिर कैसे उठिएगा बैठिएगा अगर ये अगर इस तरह की कोई बात उनके मन में होती और इस तरह का मकसद होता उनका, तो निजी कारणों से भी ये संभव नहीं है कि वो भूमिहार विरोधी स्टेटमेंट दें और राजनीतिक कारणों से भी संभव नहीं है कि भूमिहार विरोधी स्टेटमेंट दें। तो ये अशोक चौधरी का एक मसला, लेकिन हम व्यापक परिदृश्य में चर्चा करें, उसी व्यापक परिदृश्य पर हम फिर वापस ले जा रहे थे आपको हम अपनी पहली लाइन पर कि जो अभी अशोक चौधरी के खिलाफ जो कैंपेन शुरू हुआ है ये उसी सोशल मीडिया का और उसी वेस्टेड इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है। जिन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है इस पॉलिटिक्स में कि उनको अशोक चौधरी को डिस्क्रेडिट करना है और उनके बहाने उस अलायंस को डैमेज करना है, जेडीयू बीजेपी के अलायंस को डैमेज करना है और उनको उस जो वर्ग है उसको एक समझ में आ रही है बात कि लोकसभा चुनाव में अगर भूमिहार 5 सीट पर टूटा है एनडीए से तो विधानसभा चुनाव में हम लोग 10-20 सीट पर तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये टूट रहा है, ये उनको वल्नरेबिलिटी समझ में आई है, उनको ये समझ रहा है आप में आया है कि भूमिहार भी विकल्प तलाश रहा है, भूमिहार बीजेपी चिराग पासवान के कारण टूटे भी थे ना, चिराग पासवान के उम्मीदवारों के कारण टूटे भी थे, बिल्कुल टूटे थे बिल्कुल। तो ये अब उनको लग रहा है कि अगर हम लोग इसको बहाना बना करके इसको इशू बना करके, हमने कहा कि इसलिए ऐसे किसी भी अभियान के पीछे बड़ा पॉलिटिकल डिजाइन होता है, तो पॉलिटिकल डिजाइन ये है कि भूमिहार अगर ऑप्शन तलाश रहा है तो एक धक्का और दो, अगर थोड़ी कमजोरी आ रही है उनके आरजेडी विरोध, उनका जो पेरेनियल आरजेडी विरोध है, जो सनातन आरजेडी का विरोध है, लालू यादव का विरोध है, अगर वो विरोध मध्यम पड़ रहा है, लालू और तेजस्वी के प्रति अगर उनका रुख नरम हो रहा है तो उसको और बढ़ाया जाए, बीजेपी जेडीयू से उनकी दूरी बढ़ाई जाए, ये समझाया जाए कि बीजेपी जेडीयू भूमिहार विरोधी पार्टी है, उसके नेता इस तरह के बयान देते हैं, तो ये कह के और राजनीतिक हित साधना है। तो इस मकसद से इस बात को इतना बड़ा तूल दिया गया है, इसको हमने तो कहा शुरू में कि तील का ताड़ बनाना, राई का पर्वत बनाना जो है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकली वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके पीछे, उनको लग रहा है कि अगर इस वर्ग को तोड़ लिया या इस वर्ग का जो घनघोर विरोध है आरजेडी के लिए उसको नरम कर दिया और ये न्यूट्रल हो गया, अगर ये कास्ट न्यूट्रल भी हो जाए जेडीयू बीजेपी को लेकर के कि भाई हमारे लिए जैसे ये है वैसे वही है, अगर ये मानने लगे तो बड़ा फायदा हो जाएगा आरजेडी के लिए। तो इस मकसद से ये अभियान चला, अच्छा हुआ कि बाद में अशोक चौधरी भी उतरे और कई दूसरे नेता लोगों ने भी आकर के स्थिति स्पष्ट कर दी कि इसमें कोई राजनीति नहीं है और ये एक पर्टिकुलर एक सर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशन को एड्रेस करते हुए दिया गया बयान है, एक खास लोकसभा क्षेत्र में उस जगह को उस तरह की बात जो हम लोग कर रहे थे, अभी आपने कहा कुशवाहा को लेकर के, तो बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता मान रहे कि 5 सीटों पर कुशवाहा का वोट टूट गया, 5 सीटों पर कुशवाहा ने वोट नहीं दिया, बाकी 35 सीटों में से 30 पर तो 80% वोट दिया और 5 सीट पर भी 50-60% वोट दिया, 5 सीट ऐसे थे जहां 40% से या 50% से कम वोट आया। तो ये जो जहानाबाद भूमिहार के लिहाज से उसी तरह की एक सीट थी, जहानाबाद भागलपुर महाराजगंज वैशाली ये ऐसी सीट थी जहां भूमिहार दूसरे कारणों से अलग अलग लाइन पर वोट किया उन लोगों ने या नहीं किया वोट, ठीक है नहीं किया ये भी कह सकते हैं, वोट नहीं किया न्यूट्रल हो गए पोलिंग करने नहीं गए, आखिर भूमिहार अगर इतनी बड़ी संख्या में है और कुछ वोट मिला भी होगा जेडीयू को, अगर नहीं वोट करता, अरुण कुमार को सिर्फ 1 लाख वोट आया, पिछली बार उनको 46,000 वोट आया था जब वो लड़े थे निर्दलीय लड़े थे, तो इस पर 1 लाख से कम आया जी। हाँ तो ये मान के चलिए कि जो अभी 1 लाख के करीब जो वोट आया हुआ है 90,000-95,000 जो भी 1 लाख से कम है लेकिन 1 लाख के आसपास है, वोट मायावती का भी होगा, तो बहुजन समाज पार्टी के टिकट से वो लड़ रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी का भी तो वोट होगा। हाँ हाँ आप देखिए ना बक्सर में अनिल कुमार को बिल्कुल वोट आया बहुजन समाज पार्टी का, तो अरुण कुमार को पिछली बार के जितना ही भूमिहार का वोट आया हो, और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भूमिहार वहां जाकर के सुरेंद्र यादव को वोट दे दिया हो बल्क में, तो या तो वोट कम मिला जेडीयू को वोट गया लेकिन कम गया, कुछ अरुण कुमार को गया और बाकी लोग अपना न्यूट्रल होकर के घर में बैठ गए, क्योंकि उनकी एक तकलीफ थी कि 2014 में जब चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट दिया गया था और विरोध हुआ था तो जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि अगली बार हम भूमिहार को सीट देंगे और नहीं तो दिया गया तो आपने आरजेडी को जिता दिया। हाँ तो अब उस चक्कर में तो इसका अफसोस लग रहा होगा तमाम लोगों को कि आपने जो है, इसी को कहते हैं कि बतासा के चक्कर में मंदिर तोड़ना, तो आप जो है आप छोटी छोटी चीजों पर उलझे लोग, तो आपने वहां आरजेडी की जीत सुनिश्चित कर दी, अब उसके बाद आप लड़ाई लड़िए वहां और वो छुड़ाने के लिए उस सीट को, अगर आपको लगता था कि भूमिहारों को लगता था कि हमारी सीट है जहानाबाद और हमारा गढ़ है, तो अब देखिए कैसे छुड़ाते हैं आप उस गढ़ को अपना, जेडीयू के हाथ में रहता तो हो सकता था कि अगली बार मिल जाती आपको सीट,
हाँ वही हाल देखिए, वही हाल औरंगाबाद में जो राजपूत लोग हैं, तो बताए 52 से जीत रहे थे, चित्तौड़गढ़ था, तो अब छुड़ाइए, अगली बार कैसे छुड़ाते हैं आप? बिल्कुल, तो ये जो इस तरह की पॉलिटिक्स होती है, आरा और काराकाट को माले से छुड़ाइए। हाँ वही छुड़ा के फिर छुड़ाइए, उसकी अलग लड़ाई लड़नी होगी अब आपको। तो ये जो है, ये जब भी भावनाएं आहत होती हैं, तो उन आहत भावनाओं से उसी कम्युनिटी का अपना नुकसान होता है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है। आपकी भावना आहत हो जाएगी तो आप क्या जेडीयू बीजेपी को छोड़ दीजिएगा? तो आरजेडी का लीडर की लीडरशिप में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बड़ा सम्मान मिलेगा वहां, और आपको बहुत महत्वपूर्ण जगह मिलने जा रही है। तो ये जो राजनीतिक, इसके पीछे जो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, अच्छा उसमें भी अब देखिए, हमने पहले कहा, फिर वापस जो पहला मेरा ओपनिंग रिमार्क्स में था कि कोई कम्युनिटी का विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी का कोई विरोध है, कि कम्युनिटी ही एकदम से नाराज हो गई इस बात से, कम्युनिटी का विरोध नहीं है, ये वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट का विरोध है। और उस विरोध के पीछे जेडीयू बीजेपी का जो विरोधी गठबंधन है, एनडीए का विरोधी जो गठबंधन है आरजेडी कांग्रेस पार्टी का, उस गठबंधन का की राजनीति है, उस गठबंधन के लोग इस बात को हवा दे रहे हैं, ये आग लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसमें अपना राजनीतिक फायदा दिख रहा है। यही स्थिति जो आपने अब पहले ब्रॉडर जो तस्वीर आपने बताई है, जो ब्रॉडर जो एक तस्वीर है, क्या उस तस्वीर में अब ब्राह्मण लोग सिर नहीं पीट रहे होंगे बक्सर में बैठ के? हाँ बिल्कुल, कि भाई हमने हमने आनंद मिश्रा को, हमने अश्विनी चौबे को, तो ना अश्विनी चौबे को गवर्नरशिप मिली, ना मिथिलेश तिवारी को एमपी बने, और ना आनंद मिश्रा एमपी बने, तो तीनों लोग तो अब घर बैठे हुए हैं, तीनों लोग एक साथ, तीन ब्राह्मण के वहां जो नेता थे, तीनों घर बैठे हुए हैं। अजीत जी, यदि हम व्यापक परिदृश्य में देखें तो चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया 2020 में, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते बच गए, क्योंकि कई सीटों पर नतीजे कैसे आए थे, अंतिम समय में क्या खेला हुआ, कैसे कोई 12 वोट से जीता, कैसे कोई 200 वोट से जीता, ये हमारे आपके सामने है। अब देखिए, चिराग पासवान तो एनडीए में है, हम मानते हैं कि रहेंगे, क्योंकि हम इस बात से सहमत नहीं है कि उनकी पार्टी में कोई टूट होने जा रही है, उनके कोई तीन सांसद टूटने जा रहे हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं अभी, जो राजनीतिक परिदृश्य है। लेकिन प्रशांत किशोर आ गए हैं और 243 उम्मीदवार की बात हो रही है, चिराग पासवान ने 243 नहीं दिए थे, और प्रशांत किशोर पुष्पम प्रिया चौधरी नहीं है, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा यह कोई नहीं जानता है, लेकिन चुनाव लड़ाने का इतिहास तो है। तो यदि सवन ऐसे ही छिटके बिदके पिनके, तो जिस तरीके से 2020 में एनडीए की सत्ता जाते जाते बची, तो बिदकेंगे पिनकेंगे छिटकेंगे, तो जो चिराग पासवान की नाव पर 2020 में सवार हुए थे, वे इस बार प्रशांत किशोर की नाव पर सवार होना चाहेंगे। चिराग पासवान तो दलित, यहां तो प्रशांत किशोर के साथ ब्राह्मण की बात हो जाएगी, ब्राह्मण है, और उनके साथ न भूमियारों को दिक्कत, न ठाकुरों को दिक्कत। तो ये अब तो बिहार के सवर्ण समाज को यह तय करना होगा कि उनका स्टैंड क्या है, पार्टी के साथ, जाति के साथ, किसे मुख्यमंत्री बनाना है, और क्या बचना है, कहां जाना है। तो देखिए देखिए, ये बात, ये इसको कह सकते हैं कि ये जो अभी सारा विवाद खड़ा किया लोगों ने, उस विवाद में तो प्रशांत किशोर के लिए अपने आप एक मौका बन रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मान लीजिए कि आप अगर सवर्ण लोग जो हैं, भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत कायस्थ, अगर बीजेपी से नाराजी हो जाते हैं या जेडीयू से नाराजी हो जाते हैं, तो पहले तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आरजेडी में कैसे जाएं। इतना विवाद रहा है, इतना झगड़ा रहा है, और ये दिख रहा है कि वहां आपको लीडरशिप नहीं मिलनी है आगे, उसमें कोई आपका नेता नहीं है, वहां नहीं जा सकते हैं, तो अब तो एक ऑप्शन उनके सामने आ गया है, प्रशांत किशोर का। बिल्कुल, तो अगर नाराजगी होती है जेडीयू बीजेपी से, तो उस नाराजगी में अगर आप जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ते हैं और चले जाते हैं प्रशांत किशोर के साथ, तो फिर वो तो बड़ा नुकसान हो जाएगा एनडीए का, जो आपने कहा 2020 की तरह का इतना बड़ा नुकसान होगा। देखिए इसमें कई, अब इसके बाद ये चीजें जटिल होती जाएंगी, जैसे ही अब तक जब दो गठबंधन आमने सामने के चुनाव लड़ते हैं, तो राजनीतिक समीकरणों में, सामाजिक समीकरणों में कोई जटिलता नहीं रहती, बिल्कुल सिंपल अर्थमेटिक होता है, जो हमने पहले भी कहा था कि गणित नहीं, ये सीधे अर्थमेटिक नहीं है, चुनाव अंकगणित नहीं होता है, चुनाव कैलकुलस की तरह होता है, मैथ्स का जो कैलकुलस होता है वो कैलकुलस की तरह होता है, जिसमें कई वेरियस फैक्टर्स होते हैं, हिडन फैक्टर्स होते हैं, और दूसरे जो है उसमें वेरिएबल्स होते हैं बहुत सारे,
तो उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही ये आमने सामने की लड़ाई में नहीं होता, आमने सामने की लड़ाई में तो अर्थमेटिक से काम चल जाता है कि आपका ये वोट है, आपका ये वोट है, दोनों अपना अपना वोट डलवाइए, जिसके पास जाता है वो जीत जाता है। जैसे एक छोटा सा तीसरा कोण बना दिया था चिराग पासवान ने तो चुनाव उलझ गया था। अब अगर एक बड़ा कोण उसी तरह सा तीसरा फैक्टर आ जाते हैं प्रशांत किशोर, तब तो अर्थमेटिक रही नहीं जाएगा, फिर तो गणित सबका बदल जाएगा, सारे सबके गणित बदल जाएंगे। और हमने जो मार्क किया बिहार में, जो लोगों से बात हो रही है और जो समझ में आ रहा है, प्रशांत किशोर ने जो अपनी पोजिशनिंग मुसलमान को लेकर के की है वो सिंपल ये है कि वो उनके साथ अगर कुछ भी वोट अपने साथ जोड़ के ले आते हैं, जो हमने ग्राउंड पर सुना कि ब्राह्मण साथ में आ जाए या ब्राह्मण भूमिहार साथ में आ जाए, तो मुसलमान उनका साथ देने को तैयार है। फिर तो दोनों का इतिहास है ना, जब शीला दीक्षित को हराना था तो बीजेपी के वोटर टूटे और उधर से मुसलमान टूट गए, मुसलमान जुड़ गए। जैसे ही लगा भी तब यहाँ मुसलमानों को कि कांग्रेस नहीं हरा पा रही और ये जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी हरा देगी, वो उसके साथ चले गए। बीजेपी नहीं हरा पा रही है, माफ करिएगा, बीजेपी कांग्रेस को नहीं हरा पा रही है इतने दिनों से प्रयास करके, तो ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी हरा देगी तो लोग उसके साथ चले गए। तो अगर 20 साल के एनडीए के राज से भी लोगों को कोई उब है, लग रहा है एक ऐसा मतदाता वर्ग जिसको लग रहा है कि कोई हराए इस एनडीए को हटाए, तो ये उसमें सब ये ऐसा सोचने वाला सबसे बड़ा वर्ग तो मुसलमान ही है, जिसको लग रहा होगा कि कोई इस एनडीए का शासन खत्म करे, बीजेपी और जेडीयू का जो राज है। हालांकि नीतीश कुमार के प्रति उनकी थोड़ी सहानुभूति रहती है, लेकिन ओवरऑल सोच तो होगी, जो देवेश ठाकुर ने कहा कि उनको किसी मुस्लिम ने कहा कि हम तो आपके चुनाव चिन्ह पर भी वोट देने जाते तो उसके सामने हमको मोदी का चेहरा दिख रहा था, तो ये हो सकता है कि वो विरोध हो, उनका सबसे भारी विरोध है और वो अवसर देख रहे हो, तो वो आरजेडी को छोड़ दे और जो कोर वोट है जेडीयू बीजेपी का वो जेडीयू बीजेपी को छोड़ दे, फिर तो बराबरी का 3 समीकरण बन गया। तो उस समय जो बेटर मैनेज करेगा इलेक्शन को। अजीत जी, हैरत की बात ये है कि देखिए, हम और आप सभी मान रहे हैं कि बिहार बूढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है, लेकिन बूढ़ों की बात कोई नहीं कर रहा है और यह बात शुरू कर दी है प्रशांत किशोर ने। 1.5 करोड़ लोग बूढ़े हैं, विधवा हैं और दिव्यांग हैं, और आपको जानकर हैरत होगी कि उनका पेंशन 400 रुपए, बताइए, सोचिए, उनका देश में सबसे कम पेंशन 9,000 रुपया, 10,000 रुपया कमाने के लिए बेटा गया गुजरात और पंजाब, वो क्या भेजेगा? बीबी घर में है, बहन की शादी भी करनी है, और इसमें अब घर में कलह हो रहा है कि भाई पिताजी को लग रहा है कि बेटा कमाने गया है, सारा पैसा बीबी को भेज रहा है, बीबी हमारे लिए देखभाल नहीं कर रही है, तो वहां सास ससुर और बहू में तनाव है, लेकिन पैसा इतना आ कहां से रहा है? तो आप 400 रुपए का पेंशन दे रहे हैं, इससे अधिक पैसा तो जो जेल में बंदी होते हैं उनके खान पान पर आप खर्च कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नहीं, हम जैसे ही बनेंगे ये 2,000 रुपए कर देंगे। उनका कहना है 10,000 करोड़ रुपए तो हम खर्च कर ही सकते हैं बिहार के जो सीनियर सिटीजन है, तो उसमें फिर जाति की बात नहीं हो रही, बूढ़ों की बात हो रही है, सीनियर सिटीजन की बात हो रही है। तो जहां ये जगह छोड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, वहां घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और उसमें जाति नहीं है, तो वो अपना एक तो जो एजेंडा है, देखिए हम लोग पहले भी चर्चा की है कि अब इस बार सामाजिक समीकरण से ज्यादा हो सकता है कि मुद्दों की चर्चा हो, एजेंडे की चर्चा हो। वो एजेंडा है, मैं जो पुरानी पार्टियां हैं, जो पहले की पार्टियां हैं, राजद और जदयू और बीजेपी, उनके पास अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ सामाजिक समीकरण है, जाति जनगणना है, आरक्षण बढ़ाने की बात है, ये सब चीजें हैं ज्यादातर। प्रशांत किशोर के पास भी सामाजिक समीकरण है, वो भी सामाजिक समीकरणों की बात कर रहे हैं, जातियों की बात वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनके पास कुछ एजेंडा भी है। जैसे आपने कहा, बूढ़ों को पेंशन बढ़ा करके 2,000 रुपए करने का हो, या नौजवानों के लिए बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था करने की बात हो, या बाहर जो लोग पढ़ने जा रहे हैं उनके पढ़ाई की व्यवस्था बिहार में ही करने की बात हो, तो उनके पास एजेंडा भी है। वो यूथ को भी एड्रेस कर रहे हैं और बुजुर्ग को भी एड्रेस कर रहे हैं। तो ये बात, वो अपना एक अलग से कास्ट और कम्युनिटी से अलग भी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप कर रहे हैं, और उनको पता है कि वो ये दोनों कास्ट जो है वोट को प्रभावित कर सकते हैं। एक जो बहुत आकांक्षी कास्ट है, जो एस्पिरेशनल जो क्लास है उनका, जो नौजवानों का है, यूथ का है, और दूसरा जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित वर्ग है, उस वो वर्ग है, तो वो दोनों को टारगेट कर रहे हैं। उसमें ये इस तरह के समीकरण अगर बनते हैं, इस तरह की बातें अगर होती हैं, किसी भी दोनों, इंडिया या एनडीए, इन दोनों का जो जो जातियों का ब्लॉक है, कोर वोट का जो ब्लॉक है, उसमें किसी भी बात से अगर टूट फूट होती है तो उसका तो डायरेक्ट नुकसान इनको होगा और बेनिफिशियरी प्रशांत किशोर होंगे। तो
ये नहीं पता है हम लोग ये कि देखिए जो पूरा कैंपेन चला कि जेडीयू जो है और ये भूमिहार विरोधी है, उस कैंपेन में पीछे कितना भाग प्रशांत किशोर की पार्टी और उनके समर्थकों का रहा, लेकिन ये डिजाइन जेडीयू बीजेपी विरोधियों का ही था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये इस बहाने एक बड़ा वोट वर्ग तोड़ सकते हैं या उसके मन में शंका पैदा कर सकते हैं, संदेह पैदा कर सकते हैं। और संदेह एक बार वहम हो गया, एक बार संदेह पैदा हो गया तो छोटी छोटी चीजों पर भी आप भड़काते रह सकते हैं, उकसाते रह सकते हैं। तो वो आगे ये सब खेल चलेगा, ये चुनाव तक ये बहुत खेल चलेगा। तो नेताओं को भी बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देने हैं, बहुत सोच समझ के आगे अपनी पॉलिटिक्स करनी है और इस तरह की चीजों को सोशल मीडिया में खासतौर से जो चीजें हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, जो नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे तेजस्वी यादव को ये मैसेज हो रहा होगा कि मुसलमान टूट सकता है जी, अब वो हालांकि वो तो फॉर गारंटेड लेके बैठे होंगे कि भाई प्रशांत किशोर को अभी देखा ना, आपने देखा ना पूर्णिया में टूट गए, रुपौली में टूट गए, सिवान में टूट गए, यह तो हमने और आपने देखा है। बिल्कुल देखिए, जिस जातिगत जनगणना की आप बात करें, आरक्षण बढ़ाने की बात करें, देखिए छोटी सी खबर छापी गई है अभी, इस पर सियासत तेज होगी आगे, अगले कुछ दिनों में हम लोग भी चर्चा करेंगे। कल विजय कुमार चौधरी ने यह कह दिया कि जब हाई कोर्ट ने ही और सुप्रीम कोर्ट ने ही बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात और मांग करने की बात भी मानी है। तो अब इस बात को भी समझ लीजिए कि आप जनगणना करा लीजिए, आरक्षण बढ़ाने की स्थिति में सरकार नहीं है, यह विजय कुमार चौधरी कल कबूल कर चुके हैं। इस पर राजनीति आगे होगी, इस पर हम लोग को विस्तार से चर्चा भी करनी होगी। वो तो राजनीति होगी ही, तो हमने कहा ना जो पुरानी पार्टियां हैं उनके वो इसके आगे नहीं बढ़ पा रही है। हाँ, कास्ट छोड़ करके अगर जो सत्तारूढ़ पार्टी है 20 साल से, उस अपना विजन रखे ना आगे के अगले चुनाव में। अगर मान लीजिए आपको जैसे प्रधानमंत्री ने अभी से एक विजन रख दिया है, पता नहीं क्या होगा, कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक 2047 तक कौन रहेगा देखेगा विकसित भारत, लेकिन उन्होंने तो रख दिया कि 2047 तक का हमारा ये एजेंडा है। तो बिल्कुल 2025 से 30 का क्या एजेंडा होगा जेडीयू का, नीतीश कुमार अगर जीत ही जाते हैं ये अंतिम समय में नीतीश कुमार कहां से झमेला लेकर आ गए हैं। देखिए अगले 6 महीनों में इतने मुकदमे होने हैं कि अब बताइए ना कि भाई खबरें आ रही हैं कि भाई फुआ नहीं क्लेम कर रही है, फुआ गुजर भी गई लेकिन फुआ के जो बच्चे हैं वो अब क्लेम कर रहे हैं। तो अब तो ये वंशावली और ये जो चीजें जो बिल्कुल अब तो इस तरीके से आगे आने वाले दिनों में झमेला होना है। और फिर आज सुबह सुबह कल ही गिरफ्तारी हुई, अंचल कार्यालयों में क्या भ्रष्टाचार था और क्या नहीं था, अब तो भाई सब कुछ मालिक यही हो गए हैं। जबकि पिछले दिनों अभी हमें 2 दिनों पहले ही दिलीप जायसवाल मिले थे जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, राजस्व भूमि सुधार मंत्री भी हैं, और उन्होंने कसम खाई थी कि हमारी कुर्सी पवित्र रहेगी। उन्होंने दिखाया कि देखिए ज्ञानेश्वर जी कि मैं रबर स्टाम्प अपनी जेब में लेकर चलता हूं, लिखता हूं और वहीं मोहर लगा देता हूं, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मुझे बिचौलिया नहीं पसंद है। खैर यह उनकी कोशिश है, लेकिन यह जो बिहार लैंड सर्वे चल रहा है, पूरे देश से जो बिहार के रहने वाले लोग हैं वे आ रहे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है जमीन मेरी कौन सी है। भाई आगे वाला अपना लिखवा ले रहा है, पीछे वाला उनको दे दे रहा है, बहन का नाम गायब कर रहा है, ये इतना बड़ा झमेला होना है कि पूछिए मत, और यह चुनाव को प्रभावित करेगा। तो देखिए यही एजेंडा है उनका, मतलब आप 20 साल राज करने के बाद आपको क्या एजेंडा समझ में आया, तो भूमि सर्वेक्षण करा देते हैं जी। भूमि है नहीं बिहार में, बिल्कुल बिल्कुल भूमि है नहीं बिहार में, 13-14 करोड़ की आबादी है, एवरेज लैंड होल्डिंग में सबसे पीछे बिहार है, सबसे कम एवरेज लैंड होल्डिंग बिहार के लोगों की है, उसी के सर्वे में आपको 20 साल के बाद जो एजेंडा समझ में आया, जो सबसे बड़ी बात आपको समझ में आई वो ये है, भूमि सर्वेक्षण करा देते हैं, सारे प्रदेश को उसमें उलझा देते हैं। अरे कोई हम वो कह रहे हैं कि आप एजेंडा रखिए अगले 5 साल का, 25 से 30 के बीच में आपको क्या करना है, नहीं तो सामाजिक समीकरण और भूमि सर्वेक्षण में आप भी उलझे रहेंगे और प्रदेश को भी उलझाए रहेंगे, और एक पॉजिटिव एजेंडा रख के प्रशांत किशोर अपना खेल कर जाएंगे। तो ये आरजेडी और जेडीयू बीजेपी वालों को समझना चाहिए, जो पुरानी पार्टियां हैं, कि अब पुरानी राजनीति का समय नहीं है, ना पुराने समीकरणों का समय है, अब एक जो नया प्लेयर आया है उसकी राजनीति को समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो देखिए बिहार बदल रहा है और बिहार में राजनीति, देखिए हंगामा किसी के खिलाफ होता है, हंगामा किसी मुद्दे पर होता है, और फायदा और पर्दे के पीछे हंगामा कराने वाला कौन होता है, इस पर भी सियासत शुरू हो जाती है। तो इन तमाम मसलों को हम लोग डिकोड करते रहेंगे, हमारे कार्यक्रम के साथ आगे भी बने रहिएगा आप। और ये चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव से को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।